फिरोजाबाद पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, भाजपा पर हमला कर रहे नरेश उत्तम का बयान। सपा यूपी की सभी 11 एमएलसी की सीटें जीतने जा रही है, भाजपा उपचुनाव सत्ता के दुरुपयोग कर जीती है। किसानों के आंदोलन पर बोले भाजपा ने किसानों को दिया है धोखा। किसानों के किए वादे से मुकर गए प्रधानमंत्री, किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान बेहद परेशान है, फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। लव जिहाद के मुद्दे पर बोले जिहाद हमारा बेरोजगारी से है, जिहाद महंगाई से है, जिहाद भ्रष्टाचार से है। अखिलेश यादव से जो ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं और उनकी लोकप्रियता से हताश है वो लोग, उनको ट्विटर की राजनीति बताते हैं। शिवपाल यादव के पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले जो पार्टी हमारी विचारधारा के साथ है उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। ईर्ष्या रखने वाले लोग जो माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, वो लोग इस तरीके की हताशा की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के बहुत बड़े नेता हो गए हैं और देश उनकी तरफ निहार रहा है कि हमारा नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी करें और हम सबको जो अपना विकास का सोच है, जो विकास का 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है, समाज के हर वर्ग को ये बात दिखाई है, उससे पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसकी वजह से कुछ लोग ईर्ष्या करके इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। 2022 में सपा क्या साथ साथ लड़ेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि किसी बड़ी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जो हमारा सहयोग करेगा, जो हमारी समाजवादी पार्टी की नीतियों को मानेगा, जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व पसंद करेगा, उनका स्वागत है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।